कमलेश ठाकुर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए हो, ईश्वर की शक्ति देती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रथा और मर्यादा अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैंने ग्रहण करने वाली हूँ उसकी कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जी, मैं आज ओथ यहाँ पे विधानसभा परिसर में हुई है। मैं अपने नालागढ़ क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को साबित कर सकूँ और अपने इलाका नालागढ़ की सेवा कर सकूँ। उसके लिए मैं अपने इलाका वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती प्राणी प्रतिभा सिंह जी का, उप मुख्यमंत्री मुकेश जी का और पार्टी के सभी हमारे नेताओं का और हमारी कांग्रेस पार्टी के नालागढ़ के कार्यकर्ताओं का, जिनकी वजह से आज ये जीत जो है मुनासिब हुई है और हमें मुझे जो है विधानसभा पहुँचने का मौका मिला है। सही है, हम लोग क्योंकि नॉट ओनली इंडस्ट्री एरिया बट हमारे साथ पंजाब का बॉर्डर है, 4 से 5 बॉर्डर जो है हमारे साथ पंजाब की सीमा के साथ लगते हैं। श्री अनंतपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी और रोपड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है हमारे साथ लगती है और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो शुरू से ही एक इशू रहा है। हालांकि BBN बद्दी रोटीवाला नालागढ़ जो है वो एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है पर फिर भी पुलिस का अभाव है, पुलिस की कमी है जिसकी वजह से जो है क्रॉस बॉर्डर जो है हमारे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है, चाहे वो नशे की तस्करी की बात है या लॉ एंड ऑर्डर की बात है। मुझे विश्वास है इस सरकार में उसका कुछ ना कुछ हल जो है हम लोग कर पाएंगे और उसकी रोकथाम के लिए जो है जो भी कड़े स्टेप्स उठाने की जरूरत पड़े वो उठाएंगे।